सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर भाग्य विधाता शिवावा, जो हमारे जन्म जन्म के भाग्य को श्रेष्ठ, महान, सुखद बना रहे हैं, वो सुख का सागर शिवावा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। साथ में बाबा हम बच्चों को पूछते हैं, कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली, कैसे? बाबा कहते हैं वो बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त हैं। परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, इधर उधर भटकती रहती है बुद्धि, एक बाप से जितनी भारी इतना भारी वर्षा मिलता है वो अगर हम नहीं लेते, उसे याद नहीं करते, तो भाग्यशाली होते भी दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे। साथ में बाबा दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? श्रीमत में कौन से रस भरे हुए हैं? श्रीमत ही है जिसमें मात पिता टीचर गुरु सबके मत इकट्ठे हैं। श्रीमत जैसे सैक्रिन है जिसमें यह सब रस से भरे हुए हैं। तो बाबा आज बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ, हो तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। शिव भगवान उवाच, मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते हैं। यहां तो जो सुनाते हैं कहते हैं शिव भगवान उवाच, खुद भी कह सकते हैं शिव भगवान उवाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं, दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं। तो कहते हैं बच्चे समझते हो कि कौन पढ़ाते हैं? कहेंगे बाप दादा पढ़ाते हैं। बाप बड़े को, दादा छोटे को, अर्थात भाई को कहा जाता है, तो बाप दादा इकट्ठा हो जाता है। अब बच्चे भी जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हो तो क्या करेंगे, पढ़कर अपनी तकदीर बनाएंगे, मतलब हम पढ़कर इम्तिहान पास करेंगे। वो जिस्मानी इम्तिहान तो बहुत होते हैं, यहां तुम बच्चों के दिल में है कि हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं और परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, निराकार बाप समझाते हैं। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख राजाओं का राजा बनते हैं। राजाएं भी बहुत होते हैं, फिर राजाओं के राजाएं भी होते हैं। जो राजाओं के राजाएं हैं उन्हों को राजाएं भी पूछते हैं, ये रिवाज भारत खंड में ही है। पतित राजाएं पावन राजाओं को पूछते हैं। बाप ने समझाया है, महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वालों को कहा जाता है, राजा लोग छोटे होते हैं। आजकल तो कोई कोई राजाओं की महाराजाओं के से, कोई कोई साहूकार के पास भी राजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है, वहां ऐसे अनलॉफुल नहीं होता। कहां सतयुग में, वहां तो सब कुछ कायदे अनुसार होगा। बड़े महाराजा पास बड़ी प्रॉपर्टी होगी। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप बेट पढ़ाते हैं।
परमात्मा बिगर राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक कोई बना नहीं सकता। स्वर्ग का जो रचयिता है वो कौन है? निराकार बाप। उनका नाम भी गाते हैं लोग, हेवेनली गॉडफादर। बाबा हमको साफ समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को फिर से स्वराज्य देकर राजाओं का राजा बनाता हूं। अब तुम जानते हो हम तकदीर बना कर आए हैं। कहां आए हैं? बाबा के पास। बाबा बार बार कह रहे हैं, तुम बच्चे जानते हो हम स्कूल में बैठे हैं, और पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर। इनकी आत्मा भी पढ़ती है, किनकी? ब्रह्मा। इस आत्मा का बाप वो परमात्मा है जो सभी का बाप है। बाबा कहते हैं उनको तो गर्भ में आना ही नहीं है, निराकार बाप को। तो ये ना समझने के कारण मूझ गए हैं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने यह भी कोई नहीं जानते। जरूर कोई ने तो बनाया होगा, कोई ने तो कर्म सिखाए होंगे, और वो भी जरूर बड़ा होगा। तो इतना ऊंच पद प्राप्त कराया, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। सारी दुनिया को पति से पावन बनाने वाला कौन है? मालिक है। समझाते हैं यह बना बनाया ड्रामा है, तुमको चक्र लगाना होता है। इस बनावट को कोई भी जानते नहीं। ड्रामा में कैसे हम एक्टर्स हैं, यह चक्र कैसे फिरता है, दुख धाम से सुख धाम कौन बनाता है, यह तुम जानते हो। तुमको सुख धाम के लिए पढ़ाता हूं। तुम ही 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, और कोई वहां जा ना सके। सुख धाम में जरूर मनुष्य थोड़े होंगे। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत अच्छी चाहिए। कहते हैं बाबा हम आपके हैं, परंतु पूरा बनने में टाइम लगता है। कोई का कर्म बंधन झट छूट जाता है, और कोई को टाइम लगता है। कोई तो ऐसे भाग्यशाली भी हैं जिनका कर्म बंधन टूटा हुआ है। भक्ति मार्ग में तो सब जिस्मानी बातें हैं। फलाना भक्त ऐसा था, उनके शरीर का नाम लेंगे, तुम मनुष्य को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा की आत्मा क्या बनती है? वो जाकर शरीर धारण कर राजाओं का राजा बनता है। आत्मा शरीर में प्रवेश कर राज्य करती है। अभी तो राजा नहीं है, राज्य करती तो आत्मा है ना। मैं राजा हूं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर का मालिक हूं। अहम आत्मा शरीर का नाम श्री नारायण धराए, फिर राज्य करेंगे। आत्मा ही सुनती है और धारण करती है, आत्मा में संस्कार रहते हैं। अब तुम जानते हो हम बाप से राजा ही लेते हैं श्रीमत पर चलने से। बाप दादा दोनों मिलकर कहते हैं बच्चे, दोनों को बच्चे कहने का हक है। आत्मा को कहते हैं निराकारी बच्चे, ओ निराकारी बच्चे मुझ बाप को याद करो। और कोई कह ना सके कि है निराकारी बच्चे, है आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। ये संसार में कोई भी कह नहीं सकता, कौन कह सकता है? सिर्फ निराकार सर्वशक्तिवान बाबा। ऐसे तो नहीं कहते कि परमात्मा मुझ परमात्मा को याद करो, कहते हैं हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो। तो इससे क्लियर हो जाता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सभी आत्माओं को पिता परमपिता परमात्मा है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, बुद्धि में सुदर्शन चक्र का ज्ञान रख, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुक्त कर, विकर्म जीत बनना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भाव।
बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उसकाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख शांति और शक्ति से दूर, यह बाह्य मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं। इसलिए पहले इसको कैंची लगाओ, यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता के मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। आज प्यारे बाबा हमको स्लोगन दे रहे हैं, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधनों से मुक्त हैं, वो साक्षी व रहमदिल हैं और वही तपस्वी हैं। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण जीवन मुक्त बंधन मुक्त उड़ता पंछी आत्मा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ हैं। अनुभव करना है परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर, निरंतर उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।